सर आप आगे आगे आपकी फोटो आएगी, आपकी गाड़ी की फोटो आएगी सर। सामने उसे लग रहा है, डॉक्टर साहब सामने इधर इधर ठीक है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट श्री राजीव जसरोटिया जी, गेस्ट ऑफ ऑनर चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कठुआ श्री अरुण गुप्ता जी, मिश्रा साहब प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बीसी शर्मा जी, किसान विज्ञान केंद्र की ओर से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जैसे आप जानते हैं मोदी सरकार ने किसानों को लेकर के अनेकों नई योजनाएं आरंभ की हैं पिछले 4 वर्षों में, और 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी कैसे की जाए उस विषय को लेकर अलग अलग पहलुओं पर गौर हुआ। कठुआ का सौभाग्य है कि कृषि की दृष्टि से नए नए आयाम पिछले 2-3 साल में यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए। यहाँ प्रदेश का सबसे पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ कायम होने वाला है, प्रदेश की सबसे पहले बायोटेक पार्क यहाँ कायम होने वाली है। इसके अतिरिक्त शाहपुर कंडी डैम का काम जो पिछले 40 वर्षों से रुका पड़ा है उसको फिर से आरंभ किया जा रहा है। तो निश्चय ही जो कि ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच का हिस्सा है, दोनों प्रदेशों के लिए कृषि के माध्यम से यंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक नया आयाम आरंभ हो रहा है। सब ट्रॉपिकल एरिया है, काफ़ी जहाँ चैलेंज है किसानों के लिए निश्चय ही, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो पिछले 3 वर्षों में प्रगति हुई है मुझे विश्वास है आने वाले कुछ वर्षों में ये हब ऑफ एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में उभर कर के सामने। सर बॉर्डर का किसान सर गोलाबारी से जूझता है हर बार, तो क्या उनके लिए पॉलिसीज रहेंगी? हाँ, तो किसान का संबंध है, इन प्रावधानों का हर प्रकार के किसान को लाभ पहुंचेगा, लेकिन आपका कहना ठीक है कि बॉर्डर में रहने वाले लोगों की कुछ अन्य विशेष अपनी अलग किस्म की दिक्कतें हैं जिनका संज्ञान अलग ढंग से लिया जा रहा है, भले ही वो बंकर के माध्यम से हो, भले ही शेल्टर होम्स के माध्यम से हो, परंतु ये जो योजनाएं हैं इसका लाभ वहाँ के किसान तक भी पहुँचेगा। सर डॉक्टर साहब, आपने 2 ग्राम आदर्श ग्राम में लिए थे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, एक संगवाली और एक अपना बसोली में, क्या स्टेटस है? नहीं, एक ही लिया था संगवाली। उसका क्या स्टेटस है? संगवाली लगभग कम्प्लीट मुकम्मल हो चुका है। आदर्श ग्राम लेने का वर्ष ये नहीं रहता कि वो आपने गले में घंटी डाल दी या सारी जिम्मेवारी आपकी हो गई। आदर्श ग्राम का ये होता है कि सांसद शिनाख्त करता है कि ये ग्राम आदर्श एस एफ पी के नाते, और फिर प्रावधान है संविधान में कि उस ग्राम पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विशेष ध्यान देकर के जितनी योजनाएं हैं वो सैचुरेशन पॉइंट तक लागू करती है। उसमें अभी तक 3 गांव हमने लिए थे, सबसे पहले ये संगवाली, एक डोडा में हम्बल का गाँव और किश्तवाड़ में बाटर। हम्बल का काम थोड़ा शुरू हो चुका है, काफ़ी हद तक वहाँ पर प्रगति भी हुई है, 6 बच्चों को हमने चेन्नई भेजा प्रशिक्षण के लिए। बाटर का भी थोड़ा सा पीछे है, लेकिन संगवाली लगभग पूरा हो गया। आपने कहा आपके नॉलेज में है कि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ विकास करवा रही है?
एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ सहयोग किया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ हमारे संज्ञान में आया, क्योंकि हमने डे टू डे संपर्क रखा हुआ है, जहाँ हमें दिक्कतें आती रहीं हमने वहाँ के डिप्टी कमिश्नर के साथ संपर्क किया और सहयोग भी प्राप्त कर। सर, कश्मीर में लगातार आप एक बेहतर फैसले ले रहे हैं कश्मीर रेस्ट्रिक्शन करने के लिए, रमजान के बाद सीज फायर 2003 का डीसीएम का फैसला, इसके बाद अब क्या फैसला? नहीं, मुझे लगता है कि रमजान का फैसला जो था उससे सरकार विंडिकेट हुई है। रमजान का महीना एक पाक महीना हर मुसलमान के लिए, तो ये कहने का प्रयास किया कि ये कंडीशनल सीज है, यदि एक आप पाक मुसलमान की तरह आप रोज़ा रखना चाहते हैं, रोज़े में जैसे हिदायत है कुरान में कि किसी को बुरा नहीं कहना, बुरा नहीं कहना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, तो मैं एक अच्छे इंसान की तरह आपका सहयोग करूँगा। लेकिन आप जब यदि स्वयं अपना ही रोज़ा नहीं रखना चाहते, उसका उल्लंघन करते हैं, तो मुझे कोई बंदिश नहीं कि मैं अपनी हिफाजत में अपने डिफेंस में कार्रवाई ना करूँ। हो भी रहा, आज भी कश्मीर में एनकाउंटर भी हुआ है और भरपूर जवाबी कार्रवाई भी हुई। 2003 का सब डोगरा मंच का गठन होना क्या उसका? 2003 का जो रसाना मामले में डोगरा संविधान तो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास से जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले जनसंघ, उससे पहले प्रजा परिषद, उससे पहले पंडित प्रेमलाल डोगरा, इन सब ने जीवन भर स्वाभिमान के लिए ही संघर्ष किया। यहाँ तक कि स्वाभिमान के नाम पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कठुआ की धरती पर अपने प्राणों की आहुति दी, और इसलिए यदि कोई भाजपा का कार्यकर्ता स्वाभिमान की बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है तो सर चौधरी लाल सिंह ने मोर्चा खोला होगा सरकार के खिलाफ, तो क्या कहेंगे सर? चौधरी लाल सिंह ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला और विधायक भी वो हैं, तो क्या कहेंगे सर? भाजपा के खिलाफ तो अभी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं सर, लेकिन मैंने जैसे कहा कि स्वाभिमान भारतीय जनता पार्टी के इतिहास से जुड़ा है। यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित प्रेमलाल डोगरा की स्वाभिमान की विरासत को आगे ले जाने का काम करता है तो ये स्वागत योग्य। आज के कार्यक्रम में आपने शिरकत की भी और स्टॉल भी आपके द्वारा यहाँ लगाए गए थे, तो क्या क्या था उसमें, क्या बताएंगे? जी, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि हमने एक स्वयं सहायता समूह बनाया जिसका नाम रखा है प्रयास। जी पिछले 2.5 साल से काम कर रहा है, रजिस्टर्ड है। तो इसमें जो है कि जो हमारे किसान फैमिली से वो जो हमारी बहनें हैं उनको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को जोड़ा हुआ है कि क्या होता है कि जो किसान की फसल होती है रॉ मटेरियल, जैसे सीजनल सब्जियाँ होती हैं, सीजनल फल होते हैं, तो उनको रॉ मटेरियल जो वो घर से मिल जाता है, तो उनको जो ट्रेनिंग है जो डिपार्टमेंट कंसर्निंग डिपार्टमेंट जैसे हॉर्टिकल्चर से हमने ट्रेनिंग दी थी पिछले 3 महीने पहले, तो ट्रेनिंग वहाँ से लेके तो वो उसका जितने भी सब्जियों का अचार पापड़ वगैरह वो बनाते हैं तो वो उसका सेल आउट करती हैं। तो इससे जो है कि उनका घर का खर्चा जो किसान, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हमने किसान की डबल आय करनी है, तो उसमें मेरी बहनों का भी बड़ा योगदान रहेगा। तो अगर वो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बनाएगी और छोटे छोटे अपने कारोबार कर गया हुआ था, उसमें क्या था जो सीज़न अभी आम का सीज़न है तो हमने आम की 5-6 किस्म की चटनी बनाई हुई थी, अचार बनाया हुआ था, जो जैसे पीछे सीजन था आंवला का, आंवले के प्रोडक्ट बनाए थे, सब्जियों का अचार रखा था, और इसके साथ साथ जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट आ गया, सिलाई कढ़ाई आ गई, तो उसमें भी जो हमारे बहनें घर में काम करती हैं, छोटी चीज़ें बनाते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें होती हैं, जो हम बाज़ार से बड़े डबल ट्रिपल रेट में मिलती हैं, तो हमारी बहनें जो एक तो वो खुद मैं उनको बनाती हैं और वो सस्ते रेट पे लोगों को अवेलेबल भी करवाती हैं। इस तरह से प्रोग्राम और जो अवेयरनेस कैंप है कितना सफल मानती हैं आप? बिल्कुल बड़ी सफलता है इसमें। एक तो देखो ना, अब मैं कितने दूर दूर से मेरे गाँव से बहनें आई हैं, उनको एक एक्सपोजर मिलता है कि ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो इतने अच्छे प्रोग्राम करवाते हैं बहनों को। देखो बाहर घर से बाहर निकलने के बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, जे होती है ना जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं, एग्जीबिशन लगते हैं या प्रदर्शनी लगती हैं, तो ऐसे मैं अपनी उससे संदेश देती कि मेरी बहनों जितने भी है वो सरकार ग्रुप से जुड़ी हैं या नहीं जुड़ी हैं, अगर कहीं से भी उनको ये संदेश मिलता है तो ऐसे प्रोग्राम, ऐसे प्रदर्शनी में, एग्जीबिशन में उनको आना चाहिए, यहाँ पे ये होता कि उस ग्रुप ने क्या बनाया, तो घर जाके हम भी कोशिश करेंगे, हम भी अगली बार ये वाला प्रोडक्ट हम भी तैयार करेंगे। तो इसे एक प्रेरणादायक गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सहायता दी जा रही है समूह चलाने के लिए? जैसा कोई देखो, जैसे आप सब जानते हो कि प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए कितनी अनगिनत जो योजनाएं चलाई हुई हैं, जिसमें हमारा जो ग्रुप है प्रयास, हमने 4 स्कीमों का बेनिफिट लिया हुआ है। नंबर 1 हमारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसके तहत हमारी कितनी सारी बहनों ने लोन लेके अपने जुर्म लगाए। उसके दूसरी है हमारी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, न्यूलम जिसको बोलते हैं, उसके तहत हमने बेनिफिट लिया हुआ है। तीसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो प्रधानमंत्री जी 6 लाख का लोन देते हैं बहनों को घर बनाने के लिए, उसमें सब्सिडी की वो 2,07,000 उसमें सब्सिडी है, 3% हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। इससे अच्छी स्कीम मुझे नहीं लगता कि किसी को अपने, किसी भी बहन को अपना घर बनाने के लिए
मिल सकती है। चौथी हमारी स्कीम जो है वो स्वयं सहायता समूह, जिसमें हमारे जो रजिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट हमें 10,000 रुपये को 3 महीने बाद रिवॉल्विंग फंड देती है। तो हमने अभी तक हमारे 2.5 साल में 4 स्कीमें जो बहनों के लिए वो हमने इंप्लीमेंट की हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। इसका एड्रेस भी बता दूँ, ये गवर्नमेंट जो डिग्री कॉलेज उसकी अपोजिट हमारा सेंटर है, महारानी लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारा। कोई भी बहन किसी भी किस्म की जो जानकारी चाहिए, उसकी मदद चाहिए, तो हमारा सेंटर जो हमारा प्रयास ग्रुप है वो उसको ये गाइडेंस देने के लिए तत्पर है। मैं सभी बहनों को लास्ट में यही अपने और से संदेश देना चाहती हूँ कि सभी बहनें जो मोदी सरकार जी ने इतनी सारी स्कीमें चाहिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, ताकि उनका जीवन है वो आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन सके, अच्छे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, अपने परिवार का अच्छी तरह से निर्वाह कर सकें। जय भारत, धन्यवाद। नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सतपाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आज यहाँ आपने जो अवेयरनेस कैंप था यहाँ पर आपने दौरा किया, और क्या सीख के जाएंगे आप यहाँ से? सर सीखना क्या है, एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है सर, बैंक प्रीमियर करता जिंदा, ठीक है सर, लेकिन कंपनी इंश्योर नहीं देती। मेरा आज यही सवाल था सभी से कि वो मैं एग्रीकल्चर पास भी गया, 2-3 जगह गया, लेकिन वो मानते नहीं है इस बात को, बोलते पूरे जोन का अगर खराबा होगा तो मिलेगा, लेकिन फसल जो पर इंश्योरेंस होती है वो ओनली फॉर अकेले बंदे की। कितनी फसल आपकी जो खराब हो गई? मैंने 2 किलो कणक लगाई सर। हुआ क्या कि मैंने 5 दिसंबर को कणक लगाई, 10 दिसंबर को बारिश हो गई, मेरी फसल बिल्कुल नहीं हुई, जर्मिनेशन सोई नहीं हुई। मैं एग्रीकल्चर पास गया और भी गया, लेकिन पहले तो रिपोर्ट लेनी नहीं है, फिर उन्होंने रिपोर्ट भी ली। कितने दिन के बाद वो पहुँचे आपके हालात देखने? हफ्ता। क्या कहना था जब अधिकारी आपके पास है तो क्या कहना था उनका? सर मेरे को उन्हें बताया नहीं, सिर्फ मेरे खेत में गए, वो आगे मेरे को उन्हें कुछ पूछा नहीं, कोई बताया नहीं कि तेरे खेत जा रहे कुछ नहीं। तो क्या मानते हैं आप कि इस तरह की जो स्कीमें गवर्नमेंट वगैरह चलाई जा रही हैं कितनी सफल हैं, फाइलों तक ही सीमित हैं या सर, आप जैसे किसानों को उनका लाभ भी मिलता है? ये है कि जो योजनाएँ बनती हैं ना, ये ऊपर ऊपर की बात है, ग्राउंड पर कुछ नहीं, मेरा यही कहना है। क्या मांग है आपकी सरकार से? अब क्या मांग क्या है, जो जेन्युइन मांग है हमारी कि अगर फसल बैंक प्रीमियर काटता है तो इंश्योर क्यों नहीं मिलता, हमारी यही मांग है बस।